आगे दिखाओ, आगे यार आगे स्टार्ट कर दी। कितनी स्नो है यहाँ पे देख रहे हो, स्कॉर्पियो की छत से भी ज्यादा स्नो होती है, अभी कम होगी। उंगली से कर आराम से, बस ट्रैवलर बस नहीं निकल पाती। और यहाँ पे खूब पत्थर गिर रहे हैं, खूब लैंडस्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे देख रहे हो, कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। अब निकलने में यहाँ से डर लग रहा है। देखो ये रही, ये रही देखो, अब तो खूब तेज हो गई है, तो खूब तेज हो गई। देखो कितनी छोटी सी, रुकना ये हाथ में भी आएगी कि पिघल जाएगी। अरे ये तो, ये देखो मेरे हाथ में आई, देखो ये रही, ये आई मेरे हाथ में, देखो मेरे पे तो टप्पा खा के गिर गई। देखो तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे भी शायद दिखेगी, इधर गाड़ी की सीट में दिखेगी, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है। देखो इधर दिखाता हूँ, पत्थर पे गिर रही, देखो ये कहाँ गई, पिघल जा रही है यार गिरते ही। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, वो बोले खुश हो रही है, कान में चला गया। ये देखो ये गिर रहा है, ये देखो। अब दिखाता हूँ नेहरू मोड में, शायद अब दिख जाए। स्नो फॉल हो रहा है, कम ज़्यादा हो रही है स्नो। ये देखो इधर गाड़ी की, इसमें शायद दिखेगी थोड़ी बहुत। ये देखो पब्लिक खूब चिल्ला रही है स्नो फॉल के लिए। यार सड़ी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, जो आ रहे हैं वहाँ से इस साइड से, नीचे की साइड से, अब यहाँ के स्नो फॉल मिल रहा है भाई, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। खूब मौज आ रही है, इधर वेदर क्लियर है थोड़ा सा, और इधर हो रहा है स्नोफॉल ही। देखो इस पहाड़ से हो रहा है, यहाँ से सुबह होते स्टार्ट वो ऊपर स्नोफॉल, अब नीचे आ चुका रोहतांग पास पे। ये भाई मैं नहीं जानता कौन है, मगर हमारी गाड़ी साथ फोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस बोनट पे ना बैठे क्योंकि इसका बोनट पिचक जाता है, हल्का है, मेरे वजन से पिचक चुका एक बार। रास्ता भी नहीं खुला है, अभी रास्ता खुल जाएगा तो इधर से चलेंगे वापस, अभी सीधा जिसपा वैली वगैरह देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे आज, जितना ज़्यादा जा पाएंगे उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। तो भाई मैंने 5-7 सब्सक्राइबर और बढ़ा लिए, भाई आए हैं अलीगढ़ से और अब इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो रास्ता बंद था वो खुल चुका है, गाड़ी जा रही है देख सकते हो आप। अब चलेंगे जिसपा तक जा पाएंगे तो जिसपा चलेंगे, वरना शिशु रुकेंगे, देखते हैं यार, कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा जाने की है। निकालो, अच्छा बिना 4x4 का नहीं निकली, नहीं बैग नहीं हुई, थोड़ा नीचे ही है ना घास वास, टाइट टाइप हो रखा है। अभी 4x4 नहीं है, अब नॉर्मल है, 4x2 है। चलो सीधी निकालो, ये देखो भाई यहाँ मैं कैमरा स्टेबल रखता हूँ, देखना डिफरेंस कैसे आएगा। चलो 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 इधर से, उधर बर्फ है, इधर से निकालो। अब हम रोहतांग पास पार कर चुके हैं, आगे जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, मन तो कर रहा है स्नो में गाड़ी चलाने का, मगर कहीं फस आ गई तो अपने को बैकअप है नहीं दूसरी गाड़ी के लिए ट्यूशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने पे ना ये भी हो सकता है कि 4x4 लो भी काम ना करें, क्योंकि जब 4x4 क्या काम करेगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा टायर को, कोई वो नहीं मिलेगा नीचे से। Yeah.
आगे दिखाओ आगे यार आगे स्टार्ट कर दी। कितनी स्नो है यहाँ पे देख रहे हो, स्कॉर्पियो की छत से भी ज़्यादा स्नो होती है अभी कम होगी, बहुत स्नो है भाई। अगर आप यहाँ आते हो ना आगे तो आपको तो मुझे लग रहा है अभी पूरे एक महीने और बर्फ़ मिलने वाली है, और एक महीने तक यहाँ पे स्नो मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत स्नो है रोहतांग पास के आगे आने के बाद। अभी मुझे ये नहीं पता नॉर्थ पोर्टल पे स्नो है कि नहीं है, देखते हैं। और इसके हॉर्न की बड़ी दिक्कत आ रही है यार, पता है बारिश भी आ रही है और स्नोफॉल भी हो रहा है, ओले ओले से पड़ रहे हैं। जो छोटे पाउडर वाली स्नो होती है ना वो वाली स्नो पड़ रही है इधर पे, और बहुत मोटे मोटे दाने पड़ रहे हैं, पाउडर जैसे दाने होते ना, जीरे जैसे, मतलब जीरा भी नहीं, सरसों जैसे दाने पड़ रहे हैं, जो सरसों होती है जो खेत में होती है। अब अपन को जाना इधर से नीचे, दिखाना जरा, ये देखो कितना सुंदर रोड है, यहाँ से नीचे जाना हमने अब धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा स्नो है मुझे लग रहा है, जो है लास्ट जो स्कॉर्पियो से ऊपर थी, और बाकी देखते हैं अब आगे। अब इतनी स्नो तो आपको दिखाई दी है, और भी मन तो देखो इतना कर रहा है मेरा कि दिखाता रहूँ। देखो ये देखो गाड़ी की खिड़की से पता चलती है कि कितनी ऊँची है, ऐसे लगती है कि गाड़ी से छोटी है, बट जब बाहर में जाते हैं तो गाड़ी से ऊँची होती है स्नो। देखो अभी ये लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, 2-3 फुट है ऐसी लग रही है। अब देखो गाड़ी के बराबर में आने के बाद छत से भी ऊपर जा रही है भाई, छत से भी ऊपर जा रही है मेरी स्नो। ये देखो भाई कितने पत्थर गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ था, बट उसके साइड से निकलने की जगह थी, लोग पता नहीं क्यों वापस जा रहे थे, अपन तो साइड से निकाल के ले आए भाई। अब आगे कोई नहीं गिरा मिला तो अपन निकल जाएंगे, उम्मीद है आगे नहीं मिलेगा, देखते हैं बाकी क्या होगा। क्योंकि उससे हमसे रास्ते में कई लोग मिले थे वापस जाते हुए, बट वहाँ पर इतनी जगह थी कि गाड़ी निकल जाएगी आराम से, बस ट्रैवलर बस नहीं निकल पाती। और यहाँ पे खूब पत्थर गिर रहे हैं, खूब लैंडस्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। अब निकलने में यहाँ से डर लग रहा है, अब यही है मन में बस जल्दी से जल्दी हम नीचे पहुँच जाएंगे। देखो ये भी पत्थर अभी गिरा है, और कितना बड़ा गिरा है। बस हमारे पास थार है, इसका हमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ऊँची ग्राउंड के लिए इससे आराम से पत्थरों पर से निकल जा रही है गाड़ी। अब ये रोके हमें कुछ पूछे नहीं, भाई की खुशी देखो एक बार। भाई देखो अब मैं बताता हूँ सच्चाई में, बता नहीं रहा था कि मुझे पुलिस वालों का पिटने का डर लग रहा था। देखो ये पब्लिक खड़ी है, देखो इधर देखो कितनी पब्लिक खड़ी है, और यहीं पे ना रोक रहा है। ये वो है पब्लिक है जो नॉर्थ पोर्टल की साइड से आई है, ठीक है, नॉर्थ पोर्टल की साइड से जो आई है ना लोग वो है। अभी मैं वापस जाके दिखा नहीं सकता आपको, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है सड़क पे ऊपर, ठीक है, मैं नहीं दिख रहा हूँ ब्लॉग में यार, चल कोई आप दिख रहे हो भाई, कोई बात नहीं आप दिख रहा हूँ, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, बट उसकी साइड से ना कच्चे रास्ते से जगह थी निकालने की। अब लोग पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे थे, डर रहे थे, क्या बात थी मुझे नहीं पता, बट मैंने कोशिश करी तो हमारी गाड़ी से इतनी जगह थी, 2-2.5 फुट जगह बची हुई थी, 2.5 फुट नहीं 1.5 फुट, हाँ 1.5 फुट जगह थी हमारी गाड़ी से फालतू। अपनी गाड़ी बड़े आराम से निकल गई, देखो आगे लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे भी हुई है। देखो अब जैसे मैं वहाँ से नीचे आया ना, तो यहाँ पे भी पुलिस वालों ने रोक रखा है, और ऊपर भी रोहतांग पास पे रोक रखा है, ठीक है। तो रुकने के बाद जो है अपन इधर आ गए, तो अभी हमसे पुलिस वालों ने पूछा कि वो पत्थर हट गया, मैंने कहा नहीं, तो बोल रहे तुम कैसे आए, मैंने कहा उसके साइड से जगह है, ट्रैवलर नहीं निकलेगा, टेम्पो ट्रैवलर, बाकी छोटी गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले ने हमसे ली और हमें जाने दिया। मुझे लगा गुस्सा करेंगे कि तुमने ऐसे क्यों आए, पत्थर पड़ा है ये वो, बट जगह थी तभी हमने निकाली। देखो सबको अपनी जान प्यारी होती है, हमें भी है, बैठा ले तो मेरे साथ बैठा लिया आगे। तो यहाँ पे देखो पुलिस ने रोका हुआ है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि ऊपर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जहाँ से मैंने आपको बताया मैं निकल के आया हूँ, वहाँ से गाड़ी निकली जा सकती है, बट थोड़ा सा रिस्क है, जगह तो काफ़ी है, देखो जगह की कोई कमी नहीं है, बट बारिश का रिस्क है, और ज़्यादा खिसक जाएगा तो
दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने दिखाया जब भी विश्वास हो सके, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि झूठ बोल रहा है लोग, ऐसा नहीं है भाई, झूठ बोलना होता तो राजनीति में जाते, ब्लॉगिंग नहीं करते। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ऊपर खाली था, इसका मतलब यही है कि इसी वजह से देखो भैया भी बिक गए ऊपर से आ रहे हैं, इनके साथ बच्चा भी था, क्योंकि इनकी गाड़ी ऊपर नहीं जाने थी पुलिस वालों ने, बाकी ऊपर जा सकती थी, वहाँ पर पार्किंग थोड़ी बहुत है। अब ये बच्चे के साथ था, गाड़ी था ये और गाड़ी यहाँ खड़ी है नीचे इनकी कहीं, अब बारिश में बच्चा था तो रोने लगा, इसलिए हमने पीछे चेयर तो नहीं है बट सामान वामान हटा के सारा एक तरफ करके कोने में बिठाया ताकि बच्चा ना भीगे। अच्छा मौसी भी रहेगी ऊपर? हाँ मौसी मौसा ऊपर ही घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बच्चों को अपनी मौसी की चिंता है। क्या नाम है आपका? अभी 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 नाम है आपका, बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू बोलो। वेलकम। आप भी बहुत सुंदर हो। करना उंगली से, उंगली उंगली। आप देखो सामने का व्यू, खिड़की के बाहर से ले निकाल रहा हूँ, फिर यार हवा का शोर आ जाता है, शायद थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा हवा का, इधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो सामने नॉर्थ पोर्टल और इस साइड में अपने रिवर अभी दिख नहीं रही है, थोड़ा आगे जाने के बाद दिखेगी। इधर से दिखेगी, इधर से दिखाता हूँ आपको साइड की रिवर। इस रिवर का नाम मुझे नहीं पता, जिसको भी नाम पता है कमेंट में कमेंट करके बता दो यार, ताकि मुझे कम से कम इसका नाम तो पता चल जाए। ये वो वाली है जो अटल टनल क्रॉस करते मिलती है रिवर। अपन आ चुके हैं बिल्कुल नॉर्थ पोर्टल पे, और उधर से दिखा के लाऊं आपको नॉर्थ पोर्टल, चलो उधर दिखा के लाता हूँ। खूब सुंदर लगती है जगह, हवा देखो, ये दिखाओ, ये देखो, आगे दिखाओ, आगे दिखाओ, हवा देखो कैसे चल रही है, ये देखो हवा की आवाज भी ना फर फर वाली आवाज आ रही है, जबकि यहाँ धूल मिट्टी इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि यहाँ पे यूरोप कंट्रियों की तरह धूल है ही नहीं यहाँ ज्यादा, और थोड़ी बहुत थी भी तो बारिश हुई अभी, बैठ गई, हाँ बारिश से भी बैठ गई। ये वेदर इस टाइम उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ही खूब बर्फ पड़ी हुई है, ऊपर पीछे देखो खूब बर्फ पिघल रही है जो पड़ी है उधर नॉर्थ पोर्टल के, अभी अपने नॉर्थ पोर्टल पे, और यहाँ पे पुलिस रुकने नहीं दे रही है जो मुझे लग रहा है अभी तक, सुन सकते वापस चलो भाई, तो इधर पुलिस नहीं रुकने दे रही, पकड़ना कैमरा, अपन चल रहे हैं वापस, नहीं रुकेंगे इधर, चलते हैं आगे शीशो विशो की तरफ, जिस्पा वैली की तरफ।